इस वीडियो का टॉपिक है फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन स्लो स्पिन स्पीड प्रॉब्लम। वॉश करते समय ठीक चल रहा है लेकिन वो स्पिन करते समय उसकी स्पीड काफ़ी स्लो हो जाता है। तो आप अपने ही वॉशिंग मशीन की प्रॉब्लम को अपने ही घर पर सिंपल दो वायर के टुकड़ों की मदद से वॉशिंग मशीन की प्रॉब्लम को पहचान सकोगे। मैं बताऊंगा सबसे सरल बिल्कुल आसान तरीके, ताकि ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं होने पर भी आप अपने घर पर अपने वॉशिंग मशीन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, आसान स्टेप। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि क्या करना होगा वॉशिंग मशीन की प्रॉब्लम पहचानने के लिए। देखिए ध्यान से कि क्या करना है, किस तरीके से आप अपने वॉशिंग मशीन की प्रॉब्लम को पहचान सकते हो। तो ये जो वॉशिंग मशीन है इसको पूरा नीचे के साइड सुला देना है। देखिए मैं यहाँ से इसको पूरा नीचे के साइड सुला देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं इसके पीछे ये जो कवर लगा होता है उसको मैंने पेचकस की मदद से खोल दिया है, ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। आप भी खोल सकते हैं, सिंपल 1, 2, 3, 4 स्क्रू लगे होते हैं, ठीक है। के बाद इसको हटा देना है। हटाने के बाद इसमें ध्यान से देखना है कि कैपेसिटर कहाँ पर इसका लगा हुआ है। तो आप चेक करें, नहीं दिख रहा है तो इसकी जो कैपेसिटर है उसकी नीचे साइड है। मैं वहाँ पर कैमरा चलकर दिखाता हूँ। नीचे वाला यहाँ पर कवर होता है उसको इस तरीके से खींचना है, तो कवर ऊपर की साइड आसानी से उठ जाता है। अब बिल्कुल ध्यान से इसकी नीचे की साइड देखते हैं। देखिए कैपेसिटर दिख रहा है, इसको पेचकस की मदद से खोल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर फटाफट खोल देता हूँ। तो इसकी स्क्रू को ढीला करने के बाद एक तरीके से स्क्रू को अच्छे से रख लेना है, ताकि वापस लगाना होगा। ढीला करते ही इसकी जो कैपेसिटर होता है वो बाहर आ जाता है। तो इसमें देखिए सिंपल दो पिन बने हुए हैं, कोई बहुत बड़ी यहाँ पर खेल या गणित नहीं लगाना है। तो सिंपल से दो पिन है उसको खींचिए। खींचने के बाद इस तरीके से ये जो कैपेसिटर है वो बाहर आ जाता है। जैसे कि मैं इस वीडियो में बताया था कि सिंपल यहाँ पर हम दो वायर का यूज करेंगे। तो ये जो दो वायर है इसका यहाँ पर क्या काम है वो मैं बता देता हूँ। ये जो दो वायर है इसकी एक एक वायर को इस तरीके से देखिए इसमें लगाना है। ये देखिए इस तरीके से हम लगा देते हैं। एक वायर और है उसको यहां पर लगा देते हैं। तो ये जो दो वायर मैंने बताया था, आप अपने वॉशिंग मशीन की प्रॉब्लम को सिंपल दो वायर की मदद से पहचान सकते हो। तो चलिए मैं इसको चेक करके दिखाता हूं किस तरीके से आप इसको चेक करेंगे। चेक करने का सबसे सरल और आसान तरीका होता है कोई भी एक बिजली का एक्सटेंशन बोर्ड लेना है जिसमें पावर होनी चाहिए। अब सिंपल इसकी एक एक वायर को एक एक ये जो वो देख पा रहे हैं इसके सॉकेट है उसके साथ में इस तरीके से लगानी है। तो ये देखिए यहां पर इस तरीके से स्पार्क होता है, उसके बाद दोनों वायर को आपस में जुड़ाना है। तो देख सकते हैं कोई भी साउंड यहां पर अच्छे से नहीं आया है। तो आप एक बार फिर से ट्राई करके देखें, फिर से जुड़ाते हैं। तो इस तरीके से अगर इसमें से अच्छी कंडीशन में स्पार्किंग देता है तो कैपेसिटर बिल्कुल सही है। अगर स्पार्किंग नहीं देती है ठीक से, बिल्कुल हल्की सी चिट करता है या फिर आवाज़ भी कई बार नहीं निकलता है ठीक से, तो ये जो कैपेसिटर है वो कमज़ोर हो गया है। तो इस कंडीशन में सिंपल यहाँ पर इसमें लिखे हुए नंबर्स को आप चेक करेंगे और आपके आसपास के इलेक्ट्रिकल दुकानों में जाके इस तरीके का कैपेसिटर नया लाएंगे और अपने वॉशिंग मशीन के साथ लगाएंगे, जिससे आप अपने वॉशिंग मशीन की प्रॉब्लम जो स्लो स्पिन स्पीड हो रही है को अपने ही घर पर सिंपल दो वायर की मदद से पहचान सकते हो। कंडीशन
डाउन हो गया है तो नया कंडेंसर लगाना है, आपकी वॉशिंग मशीन की स्पीड बढ़ जाएगी। वीडियो से जानकारी मिलती तो लाइक शेयर कीजिएगा, फिर से लाएंगे हम नई वीडियो नई जानकारी लेकर।